नमस्कार, स्वागत है आपका केबी न्यूज इंडिया में। मैं हूं अजहर बेग और आप देख रहे हैं इस समय की खास खबर। स्टैंड पर खड़ी बस में लगी आग, धू धू करके जली बस, साथ में दुकान आई आग की चपेट में। गाड़ी स्टार्ट करते समय निकली चिंगारी ने पूरी बस को किया तहस नहस। जनपद हमीरपुर के राठ में भारत गैस एजेंसी के सामने खड़ी बस में गाड़ी स्टार्ट करते समय चिंगारी छूटने से लगी आग। देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई और धू धू करके जलने लगी। कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और दुकानें भी खाक कर दी। गाड़ी नंबर MP07P2555 अजीत सिंह भदौरिया की बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड व नगर पालिका राठ में सूचना दी गई। नगर पालिका के कर्मियों ने पानी के टैंकर से आग पर पाया काबू। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक बस और दुकान है जलकर खाक हो चुकी थी। के वी न्यूज इंडिया से राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सर आपका क्या हो गया है? आग लगी था। किस वजह से आग लगी? इसकी चिंगारी छूटी है बस की, उससे आग पकड़ी है और बस सब तारी जो है जगह फैल गई है। तो आपकी दुकान में किस वजह से? बस की वजह से आग लगी? बस की वजह से फैली साहब, हवा चल रही थी तो सीधी जो है इसमें आग लगी। आपका करीब कितना नुकसान हो गया? हमारे करीब 2 लाख रुपए का नुकसान है। किस चीज की पेटी थी ये? वेल्डिंग मशीन की पेटी थी। क्या क्या नुकसान हो गया आपका? क्या क्या जल गया? हमारी जो वेल्डिंग मशीन जल गई, ग्राइंडर, बर्मा, जनरेटर और बैटरी वैटरी ये सब जल गया। पूरा सामान बड़ा बड़ के बंडल अंडल और मतलब तमाम सामान आता दुकान के, पैसे वगैरह जो है, जब टेप पे बोल्ट वोल्ट सब जो है, इंजीनियर का मोटर वाल का सामान रखा, सामान रखा।